दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी। अपर पंचरुखी में पानी की पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे हादसों को निमंत्रण देने पर तुले हैं। यहां लोगों ने अपनी पेयजल की पाइपें ले जाने के लिए सड़क को खोदा था। हैरानी की बात ये है कि आईपीएच विभाग ने मात्र 50 मीटर से भी कम दूरी में एक नहीं चार बार खुदाई करवा कर कनेक्शन दिए हैं, जबकि ये कनेक्शन एक जगह से भी दिए जा सकते थे। इसके बाद रही सही कसर लोक निर्माण विभाग ने पूरी कर दी, जब कनेक्शनों के लिए खोदी गई सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया। अब आलम यह है कि गड्ढे गहरे होने के साथ चौड़ाई में भी बढ़ रहे हैं, जिसके चलते यहां से गुजर रहे वाहन सवारों को झटके पर झटके लगते हैं। कई बार यहां दो पहिया वाहन चालक नियंत्रण खो बैठते हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द इन गड्ढों को भरने की गुहार लगाई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंचरुखी से उपेंद्र कटोच की रिपोर्ट। डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में इस सत्र से डी फार्मेसी के लिए भी दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2007 से बी फार्मेसी की कक्षाएं चला रहे डीडीएम कॉलेज की चेयरपर्सन चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, जिसके लिए 60 सीटों का प्रावधान है। इससे पहले डीडीएम में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी फार्मेसी की 60 सीटों हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि डीडीएम शिक्षण संस्थान पीसीआई से अप्रूव्ड है और इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि इस कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी एडमिशन हेतु इस नंबर पर संपर्क करें।